गुरु रूप सात संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज दे इस लेक्चर मुकाबले विच मेरे बोलन दा विषय है अणख ते गैरत दा प्रतीक है दस्तार। आम कहावत है कि आदमी तीन चीजा तो पछाणिया जांदा है, गुफ्तारो गलबात दा तरीका, रफ्तारो तुरन दा अंदाज, अते दस्तारो सिर दा पहरावा। इन्हां तीनां चीजां तो पता लगता है कि वो किस देश अते किस कौम नाल संबंधित है। दस्तार पहनण दे रिवाज अते अंदाज वख वख कौमां विच वखरे वखरे हुंदे हन, पर दस्तार पहनना किसी भी कौम लई सिख कौम दी तरह लाजमी नहीं है। दस्तार सरदारे दी निशानी है, इसलिए दस्तार सिख पहरावे दा जरूरी अंग निर्धारित किया गया है। सिखी असूलां अनुसार सिख दी साबत सूरत सिर उपर दस्तार नाली पूरी हुंदी है। भाई नंद लाल जी तनखान नामे विच लिखदे हन, कंगा दोनों वकत कर पाप नहीं कर बांदई। सिख दस्तार नू इकला इकला पेट करके लड़ा नू चुन चुन के बनने, ना ही टोपी वांग पावे ना ही टोपी वांग उतारे। दस्तार सिखी निशान है अते गुरु सिबान वल्लों बख्शिया ओ महान चिन्ह है, जिस नाल सिख दे न्यारे पंदी होन दा प्रगटावा हुंदा है। एक एहो जिहा चिन्ह है जिसनु धारण करके हर सिख दा सिर फखर नाल उच्चा हो जांदा है। क्योंकि सिख वास्ते इह सिर्फ इक धार्मिक चिन्ह ही नहीं बल्कि सिर दा ताज है। दस्तार रूपी इस ताज नू कायम रखण लई अनेकां कुर्बानियां देनियां पईयां हन। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस दस्तार की कीमत अपना सर्वंस वार के उतारी, जिस सदका अज सारे संसार विच एक साबत सूरत सिख नू सरदार जी कह के बुलाया जांदा है। कवि हरि सिंह चाचक बहुत सुंदर लिखदे हन, कलगी धरते हुंदे ने दर्शन, सोने सिटे हुए सिंह सरदार विचों लखां विचों एक अल्ला पहचानिया जांदा। सरदारी बोलदी दिसे दस्तार विचों, दस्तार सिखी दी इज्जत ते अणक दा प्रतीक है। साडे समाज विच दस्तार जां पग नू हथ पाउण, पग लाउण, पग रोलण, पग पैरे रखण तों होर कोई वड्डी बेइज्जती नहीं। इह गल आम सुणन विच आउंदी है कि वेखी पग नू धागा लगण देई। दस्तार लई मर मिटण वाले सुनिया दियां वार्तावां आम प्रचलित हन, पर सखत अफसोस कि साडे अखौती सिख लीडर गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी विच अपनी होमे नू पट्ठे पाउण लई कुर्सी दी पिछे लग के अपनी ते होर लीडर भरावां दियां पग्गां उतार रहे हन, जो कि चिंता दा विशा है। एक समा सी जब सिखी लई केसा लई दस्तार लई ते शहादत दा जाम पीण विच सिख पलदी देर नहीं सी लाउंदे, पर अज अपने अमीर विरसे तों अनजान गुमराह होके तड़ातड़ केसा दी बेदबी कर रहे हन। सिखा नौजवाना वल्लों दस्तार छड़ के सिरा ते टोपी पाके घूमण दी बीमारी इसे पेड़ चाल दा नतीजा है। पर सच्चे सिख ना ही गुलामी अते ना ही गुलामी दे चिन्ह कबूल करदे हन। इंग्लैंड दे स्कूल विच सिख विद्यार्थी कुलविंदर सिंह नू सिर्फ इस करके स्कूल तो कर दिता गया क्योंकि वो दस्तार सजा के स्कूल आया सी। उस बच्चे ने स्कूल बाहर आके गत्ते ऊपर लिख के छाती नाल टांग लिया। लोग उस बच्चे नू देख के प्रिंसिपल नू बुरा भला कहन लगे। अगले दिन शिक्षा विभाग दे एक वड्डे अफसर ने सारी रात ठंड विच ठंड भर दे कुलविंदर सिंह नू ओथों हटाया अते उस नू दस्तार सजा के स्कूल आउण दी आग्या दित्ती। सिख अपनी ही नहीं दुश्मन दस्तारां दी भी कदर करदे सन। जदों मैदानी जंग विच किसी दी दस्तार उतर जांदी तां कहंदे, भलिया मानसा अपनी पग संभाल, मैं तेरी इज्जत उतारन नहीं सगो जुलम दे खिलाफ लड़न आया हां। मगर अज देखिया जाए तां लोग मुड़न बनन वास्ते अपने विरसे नू भुल रहे हन। पहली मावां अपने बच्चियां दीआं पग्गां नू चुम्मदीआं सन, पर अज
ਤਾਂ ਬੋਰ ਸਮਝੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਕਿਰਤ ਕੰਨ ਬਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਬਾਹਰੇ ਲੋਕੀ ਪੱਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆਪਾਂ ਰੋਮ ਕੱਢਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਈਏ ਨਾ ਪਾਪ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਜਾਉਣੀ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨੀ ਤੋਰ ਆਪਾਂ, ਰਹਿਣਾ ਜਾਜਕ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿੱਦੜ ਜਾ ਬੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਾਂ, ਰਹਿਣਾ ਜਾਜਕ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿੱਦੜ ਜਾ ਬੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।